नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। नई बस्ती से मामला सामने आया है कि जहां दो पक्षों के मध्य विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है जहां एक वकील दूसरे वकील को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता पीएल चौधरी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार चौरसिया को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि बीते रोज मोहल्ला नई बस्ती मोरानीपुर में रहने वाली महिला रास्ते में बोरिंग कराने पर हुई थी। इसको लेकर वह झगड़ा करने लगी। जब वह बीच बचाव करने गया और बोला कि दीवार के पास बने टैंक को इससे नुकसान हो सकता है, इसकी शिकायत कोतवाली में भी की गई थी, जिसके चलते बोरिंग का काम रुकवा दिया गया था, जिससे नाराज होकर महिला व उसका अधिवक्ता देवर उसके घर पहुंच गया तथा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। झांसी से ऋषभ यादव के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। एक मुकदमा लगे, एक मिनट में झूठा मुकदमा हम लगवाए, चलो मसीहा लगवा, हम मुकदमा लगवाए। क्या घटना हुई? मैं पीएल चौधरी और वकील जी मऊ रानीपुर का रहने वाला हूँ जी। मेरे जूनियर जी जो नई बस्ती में निवास करता है जी, उसके साथ झगड़ा, कुख्यात अपराधी एक झगड़ा कर रहा था, गाली गलौज की, अपमानित किया और अपने साथ में एक औरत को भी लिए रहता है जी, जिसके लिए कार्रवाइयाँ कराने दरखास्त झूठी दरखास्त दिलवाता है, ब्लैकमेल करता लोगों को। हाँ, झूठ